हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DJ फैक्ट्री में। दोस्तों मैं हूं सोनू और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं भाई यहां पर एक हैवी स्पीकर जो कि रहने वाला आपका 21 इंच में। आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है इस समय पर बी एकोस्टिक का 21 इंच का स्पीकर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक हैवी प्रेशर वाली बेस, तगड़ा बेस, आपका पेट नहीं भर रहा है भाई, आपको छाती हिलानी है बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कर देना, सबसे तगड़ी बेस चाहिए दोस्तों, ये होने वाला अब तक का सबसे तगड़ा स्पीकर बी एकोस्टिक की तरफ से। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को विश्वास हो जाएगा पूरे तरीके से कि भाई जो सोनू भाई ने स्टार्टिंग में बात कही थी वो 101% सही थी। बताऊंगा इसको आप लोग कैसे खरीद सकते हैं, कितने का मिलने वाला है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देर करे करते हैं वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर की पैकिंग। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलती है एक ऑफसेट की पैकिंग और उसी के साथ साथ यहाँ पर बी एकोस्टिक की ब्रांडिंग, अगेन इंजीनियर इन इटली यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि बी एकोस्टिक जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है। आप में से कुछ भाई, ज़्यादातर भाई, आप में से ज़्यादातर भाई बी एकोस्टिक जानते भी होंगे। अगेन अगर बात करते हैं साइड लुक की, तो साइड में हमें यहाँ पर मेंशन है स्पीकर का मॉडल नंबर, यहाँ पर BE21FW25 Zinc, यहाँ पर ये मॉडल नंबर रहने वाला है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर टेप काटनी पड़ेगी। टेप काटने के बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एक पैकिंग को बाहर। तो यहाँ पर हमारी आ जाती है एक पैकिंग, पहली पैकिंग। अगेन यहाँ पर एक बार फिर से आपको टेप काटने के लिए मिलती है। तो एक बार फिर से टेप को हटा लेंगे कि आगे आपकी सेकंड बॉक्स। अगेन फाइनली स्पीकर के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की पैकिंग यहाँ पर रहने वाली है, स्पीकर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना के स्पीकर की सपोर्ट के लिए यहाँ पर स्पीकर को डाल दिया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं स्पीकर की फ्रंट साइड की तरफ। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है स्पीकर का फ्रंट कितना बड़ा रहने वाला है। बड़ा तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पर 21 इंच का स्पीकर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर डस्ट कैप की। अगर आप डस्ट कैप पर नज़र डालोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी डस्ट कैप रहने वाली है। भाई स्पीकर की वॉइस कॉल बड़ी है तो डस्ट कैप भी बड़ी होगी। अगर मैं यहाँ पर इस डस्ट कैप को टच करता हूँ तो भाई मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं किसी बड़े और हैवी स्पीकर का रिव्यू कर रहा हूँ, कि हाँ भाई कोई ब्रांडेड स्पीकर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी कॉन क्वालिटी की, तो कॉन जो है भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली है। स्पीकर हैवी है, स्पीकर हैवी में कॉन हैवी रखना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल में हल्के स्पीकर का कोई भी काम नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरे तरीके से जो है स्पीकर के ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वूफर पैरी की, तो यहाँ पर 3 लेयर की वूफर पैरी दी गई है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली है। वूफर पैरी के मटेरियल की बात की जाए तो सभी स्पीकर्स में आपको, जितने भी हैवी स्पीकर्स आएंगे उनमें आपको क्लॉथ की वूफर पैरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है स्पीकर का जो प्रेशर निकल के आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाला है, और स्पीकर का जो प्रेशर है वो आपको आगे चलने के बाद दिखने वाला है। अगर मैं बात करूँ रिंग की, तो यहाँ पर आप रिंग की क्वालिटी भी साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिक रिंग आपको देखने के लिए मिलती है, और रिंग भी जो है काफ़ी हैवी रहने वाली है। रिंग बोल सकते हैं या फिर आप इसको रबड़ भी बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है स्पीकर की चेसी। यहाँ पर आपको चेसी जो है एक यूनिक लुक में दी गई है, और यहाँ पर आपको डबल सपोर्ट के साथ आपको चेसी मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीकर की टीओक प्लेट की, तो यहाँ पर टीओक प्लेट आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस के अंदर आपको मिलने वाली है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है साथ ही साथ एयर वेंटिलेशन के लिए जगह, जो कि आपकी वॉइस कॉल को ठंडा रखने वाली है। बात करें मॉडल नंबर की, तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर मेंशन हुआ है BE21FW25। अगेन यहाँ पर आप लोगों को ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है बी एकोस्टिक की। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पर नॉमिनल इम्पीडेंस, डायमीटर वगैरह जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है वो आपको यहाँ पर साथ साथ देखने के लिए मिलती हैं। अगेन अगर बात की जाए तो साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्क्रूज आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली 4 स्क्रू देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपको जो मैग्नेट है इधर उधर ना खिसके, क्योंकि हाई स्पीकर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर नज़र डालते हैं स्पीकर की मैग्नेट पे, तो यहाँ पर Y35 ग्रेड की मैग्नेट मिल जाती है आपको। और साथ साथ में मैग्नेट की हाइट की अगर बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 30 हाइट की मैग्नेट आपको स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिलती है। नॉर्मली स्पीकर्स में आपको 25 mm की मैग्नेट देखने के लिए मिलती है हाइट में, यहाँ पर आपको 30 हाइट के अंदर मैग्नेट देखने के लिए मिलती है। मैग्नेट के साइज़ की बात की जाए तो 300 इसका साइज़ रहने वाला है, एक्चुअल 280 से 300 कर दिया गया है। और यहाँ पर भी मैग्नेट का जो साइज़ है उसको भी मोटा कर दिया गया है। ग्रेड की बात कर लें एक बार फिर से, तो Y35 ग्रेड के अंदर ये आपको मैग्नेट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं टर्मिनल्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को मेटल के टर्मिनल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो साथ ही साथ जो आपके टर्मिनल्स हैं वो आपके बॉडी में ही फिट रहने वाले हैं। अगेन यहाँ पर अगर बात की जाए वायरिंग की, जो कनेक्शन वायर है वो पूरे तरीके से यहाँ पर स्लीव से पैक है, और स्लीव भी जो है दोस्तों रबड़ वाली स्लीव यहाँ पर यूज़ में ली गई है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं स्पीकर का स्पाइडर, जो कि काफ़ी हैवी रहने वाला है, डबल स्पाइडर रहने वाला है, काफ़ी हैवी स्पाइडर यहाँ पर रहने वाला है। अगर बात की जाए तो सिलिकॉन स्पाइडर यहाँ पर यूज़ में लिया गया है, रेड कलर का स्पाइडर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को स्पीकर की अनबॉक्सिंग और बाकी कुछ डिटेल्स, दोस्तों अब जान लेते हैं जल्दी से इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर RMS वोल्टेज की, तो RMS वोल्टेज इसकी रहने वाली है 2500 वोट, एक्चुअल 2500 वोट का ये स्पीकर रहने वाला है। प्रोग्रामिंग पावर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 5000 वाट प्रोग्रामिंग पावर पर स्पीकर से। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इसकी वॉइस कॉइल की, तो यहाँ पर वॉइस कॉइल हमें देखने के लिए मिल जाती है, 6 इंच की वॉइस कॉइल रहने वाली है, यानी कि 6 इंच की इन आउट की 2 लेयर की वॉइस कॉइल यहाँ पर आपको यूज़ में मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं इसकी मैग्नेट साइज़ को, तो यहाँ पर जो इसका मैग्नेट साइज़ रहने वाला है वो रहने वाला दोस्तों 300। अगेन उसी के साथ इसकी मैग्नेट साइज की हाइट की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 30 हाइट यानी कि 30 हाइट का मैग्नेट मिल जाता है। तो 300 इसका साइज हो जाता है, 30 इसकी हाइट हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके इम्पीडेंस, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 8 ओम्स के इम्पीडेंस के अंदर स्पीकर। अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी कॉन क्वालिटी की, कि भाई कौन कौन सी रहने वाली, तो भाई साहब यहाँ पर आपको मलेशियन कॉन देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इसको खरीद कह सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, टेस्टिंग के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई साहब आप इसको खरीद कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने में मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आप लोगों को ऑरेंज कलर का बेस दिखाया था R1 मॉडल का, उसके अंदर हम लोगों ने जो स्पीकर दिया था वो गया था हमारे रोहित भाई को भोपाल। तो यहाँ पर उसी मॉडल का स्पीकर है, वो जो मॉडल था वो था 21DM30, ये है आपका 21DM2500। ये स्पीकर दो मॉडल के अंदर आते हैं बेसिकली ये स्पीकर दो मॉडल के अंदर आते हैं, बी एकॉस्टिक के अंदर दो मॉडल आते हैं 21 इंची के, एक आता 2500 वोट में, एक आता 3000 वोट में। आज का जो स्पीकर है ये 2500 वोट में है। आज के इस स्पीकर की टेस्टिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई वो जो डबल मैग्नेट का सोनू भाई ने स्पीकर दिखाया था, जिसकी बढ़ चढ़ के तारीफ की थी, वो क्यों की थी। तो वीडियो में बने रहे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
sanitary checks to ensure a high quality audio experience. Welcome to Soundcheck, checking base. Now feel the music. जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह दे ना जय सिया राम दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को स्पीकर की टेस्टिंग? हमने यहाँ पर डाला था इस स्पीकर को 24mm प्लाई की कैबिनेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर इतना हैवी है दोस्तों, तो इसके लिए क्या है कि कैबिनेट हैवी चाहिए, नहीं तो आपकी कैबिनेट जो लीक हो सकती है। आप लोगों ने देखा कि इसका प्रेशर कितना अच्छा आ रहा था। हमने इसको प्ले किया था टेक्नो 9 पर, यहाँ पर 10,000 वोल्टेज हो रही थी, लेकिन हमने इसको जो प्ले किया है वो टेक्नो 9 पे किया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर इसका रिजल्ट जो निकल कर आया है वो काफ़ी मच बेटर था भाई, तबाही है। अगर आप भी ढूंढ रहे हो अपने लिए कंपटीशन का स्पीकर की भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो, इससे ऊपर कुछ ना हो भाई, हमसे ऊपर कुछ ना हो, आप ये लगा लो। सबसे मेन बात ये है कि एक तो आपका बजट फ्रेंडली रहने वाला है, कोई भी फालतू पैसे आपको इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करने हैं। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपको स्पीकर का स्पेयर पार्ट अवेलेबल होगा। कभी भी आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आती है स्पीकर के अंदर, तो आप लोग स्पेयर पार्ट के लिए इधर उधर नहीं भागोगे, कंपनी से डायरेक्टली आप स्पीकर के स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं। आपके एरिया के अंदर इसके नज़दीकी डीलर भी होंगे, तो आप लोग वहां से भी इसको खरीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कॉल करके भी आप इसका प्राइस जान सकते हैं और आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरीके के स्पीकर लगा रहे हो या इस स्पीकर को लगा रहे हो, तो भाई इसके लिए आप लोग कैबिनेट हैवी लेना। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप लोग 24mm की प्लाई की कैबिनेट में लेना, हैवी वेट तो हो जाती है लेकिन ये स्पीकर भी हल्का नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे स्पीकर उन्हीं गाड़ी में लग सकते हैं जो गाड़ियां फिक्स होंगी, यानी कि आपकी गाड़ी फिक्स है भाई, आप रोड शो करते हो, रेगुलर करते हो, तो आपने माल उतारना चढ़ाना नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर एक स्पीकर के वेट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सी 40 किलो से ऊपर का एक स्पीकर रहने वाला है, और टोटल कैबिनेट की आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था
कि यहाँ पर मैंने इसके डबल मैग्नेट का स्पीकर आपको दिखाया था, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया सिंगल स्पीकर, सिंगल मैग्नेट का स्पीकर और डबल मैग्नेट का आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना इससे भी ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो अगर आप भी इस स्पीकर को खरीदना चाहते हैं और अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अपने नियरेस्ट डीलर से संपर्क कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके इसका रेट जानिए या फिर आप लोग इसको खरीदिए। ये आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये स्पीकर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ इसी तरीके किसी और नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.